रामचंद्र शोलापुर गांव में रहता था। शहर में नौकरी छूट जाने के बाद वो घर में खाली बैठा रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी मैं कहती हूँ कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? जब तक नौकरी नहीं है तब तक गली मोहल्ले में जाकर ठेला ही लगा लो। रामचंद्र को अपनी बीवी का आइडिया अच्छा लगा और अगले ही दिन से उसने साइकिल पर खाने पीने का सामान रखने का जुगाड़ बना लिया और अच्छे से छोले कुलचे बनाकर ले जाकर गांव में बेचने लगा। छोले कुलचे ले लो, गर्मा गर्म छोले कुलचे ले लो, स्वादिष्ट मसाले वाले छोले कुलचे ले लो। रामचंद्र के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट थे। रामचंद्र दिल का बहुत ही नेक इंसान था। उसके बाद थोड़े से ही छोले कुलचे बाकी बचे थे, तभी उसकी नज़र एक कोने पर भूखे बैठे बच्चों पर पड़ी और उसने अपने बाकी सारे छोले कुलचे उन बच्चों को खिला दिए और घर वापस आ गया तो उसने देखा कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने आधे छोले कुलचे तो मुफ्त में बच्चों को खिला दिए थे। ये देखकर उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा हुई। हाय राम, बड़े आए दानवीर करण, चार पैसे कमाए नहीं कि सब कुछ बांट कर आ गए, तुमने जरा भी नहीं सोचा। अरे कोई बात नहीं विमला, भूखे बच्चे थे खिला दिए तो क्या हुआ। अगले दिन रामचंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाए और उन्हें बेचने शहर के लिए निकल पड़ा। बर्गर ले लो, स्वादिष्ट बर्गर ले लो। रामचंद्र के बनाए बर्गर भी बहुत ही स्वादिष्ट थे और वो भी हाथों हाथ बिकने लगे। लेकिन अभी उसके आधे ही बर्गर बिके थे तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु ने आकर रामचंद्र से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे क्या? हाँ हाँ महाराज, आइए आइए ये बर्गर खाइए। रामचंद्र ने एक बर्गर साधु को खाने को दिया, लेकिन साधु देखते ही देखते उसके बाकी सारे बचे बर्गर खा गया। रामचंद्र ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन साधु ने बर्गर खाने के बाद रामचंद्र से कहा, बच्चा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मांगो क्या मांगते हो? महाराज मांगने को रहा ही क्या है, अब मैं सोचता हूँ कि घर जाकर अपनी बीवी का सामना कैसे करूँगा। बस बच्चा इतनी सी बात, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी बीवी के मुंह से जो भी पहले शब्द निकलेंगे वो सच हो जाएंगे। अरे महाराज ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने, चलो ठीक है। रामचंद्र अपने घर वापस आ गया और उसने विमला को सारी बात बताई। रामचंद्र की बात सुनकर विमला ने गुस्से में कहा, तुम नहीं सुधरोगे, घर में बर्गर का पेड़ लगा है क्या, जो सारे के सारे बर्गर मुफ्त में खिला कर आ गए हो। रामचंद्र ने अपनी बीवी के मुंह से ऐसा सुनकर मन ही मन सोचा, काश इसकी बात ये सच हो जाए। और ऐसा ही हुआ। वे दोनों जैसे ही घर से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए, उनके आंगन में सच में बर्गर का पेड़ लगा था, एक ऐसा पेड़ जिस बर्गर लटके हुए थे। रामचंद्र ने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और वहां से बर्गर तोड़कर बेचने के लिए निकल पड़ा। पेड़ के बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब रामचंद्र की खूब कमाई होने लगी, वो रोज पेड़ से बर्गर तोड़ता और बेचने लगता और जो भी भूखा मिलता उसे भी बर्गर खिलाया करता था। अच्छी आमदनी होता देखकर विमला भी खुश रहने लगी और इस तरह बर्गर के पेड़ के कारण दोनों की किस्मत बदल गई। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में राम सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कलावती और अपनी बेटी मोना के साथ रहा करता था। वो बहुत गरीब था और गांव में लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। राम सिंह की पत्नी कलावती भी लोगों के घरों में काम करके दो पैसे कमाकर अपनी पति की सहायता किया करती थी। उनकी बेटी मोना भी कभी अपने पिता और कभी अपनी माता के साथ काम पे चली जाया करती थी और वहाँ पर दिन भर खेला करती थी। एक दिन जब कलावती सेठानी के घर में काम कर रही थी तभी सेठानी ने उसकी बच्ची को देखकर उससे कहा, अरे कलावती अपनी बच्ची को पढ़ाओगी लिखाओगी या अपनी तरह काम वाली ही बनाना है? मालकिन पढ़ाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और ऐसा कहकर कलावती अपना सब मुँह लेकर शाम को घर वापस आ गई और घर आकर उसने अपने पति राम सिंह को सारी बात बताई। कलावती की बात सुनकर राम सिंह ने कहा, बात तो सेठानी ने बिल्कुल सही कही कलावती, अगर जमींदार के यहाँ काम मिल जाए तो हम अपनी बच्ची को पढ़ा भी सकते हैं और अच्छे से गुजारा भी कर सकते हैं। सुना है काफी पैसे देते हैं वो काम करने का।
अगले दिन राम सिंह जमींदार के घर जाता है और उनसे काम मांगता है। जमींदार राम सिंह और उसकी पत्नी के काम की तारीफ सुनकर उन दोनों को काम पे रख लेते हैं। जमींदार उन्हें अपनी पुरानी हवेली की सफाई के काम में लगा देता है। राम सिंह और कलावती बड़ी ही मेहनत से वहाँ काम करने लगते हैं और अपनी बच्ची को गांव के स्कूल में डाल देते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक काम करते हुए कलावती के हाथ से एक बहुत महंगा फूलदान गिरकर टूट गया। तभी जमींदार अचानक वहां आ गया और वो देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। इन दोनों को हवेली के अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, दो चार दिन वहां बंद रहेंगे तो पता चलेगा कि कैसे काम किया जाता है। मालिक मालिक माफ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी मालिक। जमींदार राम सिंह कलावती और उसकी बच्ची को हवेली के अंधेरी कोठरी में बंद कर देता है। अंधेरी कोठरी में बंद करने के बाद वो तीनों डर जाते हैं। अपनी पत्नी और बच्ची को डरा हुआ देखकर राम सिंह अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी अचानक उसका हाथ एक पत्थर से टकराता है। वो जैसे ही पत्थर को दबाता है अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। राम सिंह और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कमरा तो पूरा सोने और चांदी से भरा हुआ था। कलावती, लगता है ये जमींदार के पुरखों का खजाना है जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें, उन्हें कैसे बताएं। तभी अचानक उसका हाथ एक पत्थर से टकराता है। वो जैसे ही पत्थर को दबाता है अचानक एक दरवाजा खुलता है। राम सिंह को दरवाजा खोलते ही एक रास्ता दिखाई देता है। वो तीनों उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सीढ़ियां दिखाई देती हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। राम सिंह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दरवाजा तो सीधा जमींदार की कोठी के अंदर खुला था और वो भी उनके कमरे के अंदर। राम सिंह को अपने कमरे के अंदर आता देखकर जमींदार हैरान रह जाता है। राम सिंह उन्हें सारी बात बताता है और अपने साथ वहाँ खजाने वाले कमरे में लेकर जाता है। जमींदार खजाना देखकर बहुत खुश होता है और राम सिंह से कहता है, भाई वह राम सिंह, जो खजाना हम इतने सालों में नहीं ढूंढ पाए तुमने एक ही दिन में ढूंढ दिया। ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। अब पुरानी हवेली की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जी मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। और इस तरह रहस्यमय दरवाजे ने राम सिंह की किस्मत ही बदल दी। गरीब का जादुई कुल्हड़। चंदू एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बहुत ही खूबसूरत बर्तन बनाया करता था। खासकर उसके हाथ के बने कुल्हड़ बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। उनमें पानी पीकर बहुत ही शीतलता मिलती थी और उनमें रखी चाय और दूध भी बहुत स्वादिष्ट लगता था। चंदू का काम सही चल रहा था, उसके कुल्हड़ों की बहुत बिक्री हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया। अब लगभग सभी दुकानदार कागज और प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करने लगे, जो कि कुल्हड़ों के मुकाबले में काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। इस तरह चंदू के काम पर बहुत असर पड़ा। अब वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। वो रोज़ सुबह अपने रिक्शा में कुल्हड़ लेकर निकल जाता और गली गली हर दुकान पर जाकर कुल्हड़ बेचने की कोशिश किया करता था। अरे सेठ जी, आप कुछ तो कुल्हड़ ले लीजिए। अरे भाया, समय बदल गया है, अब लोग कुल्हड़ में चाय कोई ना पीते, अब तो लोगों को डिस्पोजेबल कप चाहिए। लेकिन सेठ जी, कुल्हड़ में बनाई चीज़ का तो स्वाद ही कुछ अलग है। अरे अच्छा ठीक है भाया, दे दे 10-20 कुल्हड़। इस तरह वो बड़ी मुश्किल से दिन के बहुत कम कुल्हड़ बेच पाया करता था। एक दिन वो दुखी होकर थका हारा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आई और उसने उससे कहा, अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ अम्मा, ये लो पानी पी लो। और चंदू ने कुल्हड़ में पानी भरकर उस बुढ़िया को पीने को दे दिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने कहा, अरे वाह बेटा, शुक्रिया, बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को भी मिल सकता है क्या? अम्मा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए चाय लाया था घर से बनाकर, आप यही पी लो। ऐसा कहकर चंदू ने एक कुल्हड़ में चाय भरकर उस बुढ़िया को पीने को दी। उस बुढ़िया ने बड़े चाव से वो चाय पी और चाय पीने के बाद चंदू से कहा, अरे बेटा, परेशान लगते हो, बात क्या है? चंदू ने सारी बात उस बुढ़िया को बताई।
चंदू की बात सुनते ही वो बुढ़िया मुस्कुराने लगी और उसने कुल्हड़ उठाकर चंदू से कहा, बेटा तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो, इस कुल्हड़ की चाय को अमृत समझो और आज से कुल्हड़ वाली चाय बेचना शुरू करो। ध्यान रहे, इसी कुल्हड़ से एक बूंद उस चाय में मिला देना जो तुम ग्राहकों को पिलाओगे, तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी बेटा। और हाँ, मिट्टी से प्यार बहुत जरूरी है, हमेशा कुल्हड़ में ही चाय को बेचना। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहां से चली गई और चंदू ने अगले दिन से अपने रिक्शा में अपने बनाए कुल्हड़ों में चाय बेचनी शुरू कर दी। और जैसा बुढ़िया ने कहा था, उस कुल्हड़ में से थोड़ी थोड़ी चाय अपने बर्तन में मिलाता रहा। उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट बनती थी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला, उसकी काफ़ी अच्छी आमदन होने लगी और उसने लालच के मारे अपने पास डिस्पोजेबल कप रखने शुरू कर दिए। लेकिन चंदू ने जैसे ही डिस्पोजेबल कप में चाय बेचनी शुरू की, उसका काम कम होने लगा। तभी अचानक उसे उस बुढ़िया की बात याद आई। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? उस बुढ़िया ने तो कहा था कि कुल्हड़ में चाय बेचना और इसी कुल्हड़ में से चाय मिलाकर बेचना। अब चंदू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अगले दिन से फिर से कुल्हड़ में चाय बनाकर बेचना शुरू कर दी और उसका काम फिर से चल निकला। और अब उसने कसम खा ली कि वो हमेशा कुल्हड़ का ही इस्तेमाल करेगा। इस तरह से जादुई कुल्हड़ ने चंदू की किस्मत ही बदल दी।